समाज कल्याण विभाग प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की सेवा करने वाला विभाग है और मैंने आज समाज कल्याण विभाग की सचिवालय में समीक्षा बैठक करी है जिसमें समाज कल्याण की सभी योजनाओं का SCP TSP सभी योजनाओं का और जो हमारे आउटगोइंग जो योजनाएं हैं जनजाति कल्याण अनुसूचित जाति कल्याण की योजनाओं का भी मैंने आज समीक्षा की है। बहुत से निर्देश जारी किए हैं और जो हमारा 100 दिन का जो संकल्प पत्र है उस पर भी समीक्षा की है। बहुत से नई योजनाएं लॉन्च करने की बात हो रही हैं, पुरानी योजनाओं को जो पुराने ढर्रे पर चल रही हैं उन योजनाओं का पुनर्निरीक्षण करके उनका पुनर्मूल्यांकन करके नए ढंग से आज करने की अभी हमने निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और ये पेंशन थी उसकी धनराशि 1500 रुपया करने की घोषणा की थी, उसका शासनादेश जारी करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं और अटल आवास योजना बंद पड़ी थी उसमें उसकी धनराशि 38,000 थी और मैंने निर्देश दिए हैं कि इसको कैबिनेट के माध्यम से भारत सरकार को पुनः विचार के लिए इसको भेजें, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, बहुत से लोगों की स्थिति बहुत खराब है। हम अटल आवास योजना के तहत लोगों को मदद कर सकते हैं, इसके लिए कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए मैंने उसमें निर्देश दिए हैं और मैंने जो हमारे ITI हैं, जो हमारे आश्रम पद्धति स्कूल हैं, जो हमारे बच्चों के जो हॉस्टल्स हैं उनमें खान पान की व्यवस्था, उसमें ये जितनी व्यवस्थाएं हैं इसको चुस्त और दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे पास जिला समाज कल्याण अधिकारी नहीं है, समाज कल्याण सहायक अधिकारी नहीं है, एक अधिकारी के पास चार चार चार्ज हैं, वो हमारे पास अल्पसंख्यक कल्याण, जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण अधिकारी जैसे चार्ज उसके पास पद हैं मगर बहुत से पद हमारे खाली हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि 35 सहायक समाज कल्याण अधिकारी की नियुक्तियाँ हमारे अधीन चयन आयोग से हुई हैं, हम लोक सेवा आयोग में भी जिला समाज कल्याण अधिकारी का हम अध्याचन भेज रहे हैं और जो नीचे और पद हैं उनको भी चाहे आउटसोर्सिंग के माध्यम हो चाहे उपनल के माध्यम हो उनको भी भरने का हम प्रयास करेंगे ताकि हम हर विकासखंड लेवल पर हमारा एक कर्मचारी हो, वो पेंशन की व्यवस्था, वहाँ की निस्तारण की व्यवस्था, कैंपों की व्यवस्था, समाज कल्याण जैसा जो महत्वपूर्ण विभाग है उनके योजनाओं को परिलक्षित कर सके, इसलिए ऐसे हैंड्स की हमको आवश्यकता है जिसके लिए आज कड़े निर्देश अपने विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। निदेशालय स्तर पर भी हमने निर्देश दिए हैं, बहुत वर्षों से IAS PCS की जो कोचिंग होती थी वो कोचिंग बंद है, उसको भी मैंने शुरू करने के लिए निर्देश दिए हैं। नर्सिंग जैसे टेक्निकल स्टाफ की कोचिंग के लिए भी अनुसूचित जाति जनजाति में ये नया कोचिंग की शुरुआत होनी है, इसके लिए भी आज निर्देश दिए हैं। पहली बैठक में मैं चाहता हूँ कि समाज